हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ इस वीडियो में एक और नौकरी का नोटिफिकेशन लेके, जो असम गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है। यह नोटिफिकेशन गुवाहाटी हाईकोर्ट से आया है और इसके अंडर टोटल पोस्ट है 3 चीफ वैकेंसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को। पूरा वीडियो देखिए आप लोग, बिना स्किप किए एंड तक देखिए तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा अप्लाई करने में। तो अब आ रहा हूँ वीडियो में, आप लोग देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे इसके डिटेल्स में दिया गया है, गुवाहाटी हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2022। इसका पोस्ट का नाम है चीफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल पोस्ट 3, अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी एमओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इसका स्केल ऑफ पे दिया गया है 12,000 टू 52,000, 12,000 से लेके 52,000 तक उसका सैलरी होगा, विथ ग्रेड पे ऑफ रुपीज 3,900 मिलेगा। और इसके साथ प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स के तहत अदर अलाउंस भी दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एज लिमिट कैटेगरी वाइज एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी एज अंडर, जो लास्ट डेट होगा इसका एप्लीकेशन का, उस डेट तक उन कैंडिडेट्सों का एज लिमिट कैटेगरी वाइज दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 40 ईयर्स, ओबीसी एमओबीसी के लिए 43 ईयर्स, एससी के लिए 45 ईयर्स, एसटीपी एंड एसटीएच के लिए 45 ईयर्स एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 50 ईयर्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है, ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द स्टेट ऑफ असम। असम गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, उस ऑफिस की तरफ से वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्लास 8 पास कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। मिनिमम क्लास 8 पास होना चाहिए, अगर मेट्रिकुलेशन हो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 8 पास तो मस्ट भी, आप लोगों को 8 पास होना ही चाहिए। और इसके साथ कुकिंग का जो प्रोफिशिएंसी ट्रेड है, उस ट्रेड से कुकिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है, कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन फूड क्राफ्ट या फिर कुलिनरी स्किल या फिर कुकिंग स्किल एक्सेट्रा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिस कैंडिडेट के पास कुकिंग सर्टिफिकेट है या फिर कुलिनरी स्किल का सर्टिफिकेट है या फिर कुकिंग स्किल का जो सर्टिफिकेट है, अगर उन कैंडिडेट के पास इस तरह की कोई सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों को प्रोफिशिएंसी दिया जाएगा। इसके बाद दिया गया है, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन कुकिंग इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर एस्टेब्लिशमेंट या फिर होटल एक्सेट्रा। उन लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी होटल से हो या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में हो या एस्टेब्लिशमेंट से हो, इन लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस दिया गया है, एस सी एस टी के लिए 150 रुपीज़, अदर्स के लिए 300 रुपीज़ एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर गुवाहाटी हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट, आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग इम्पोर्टेंट वेब लिंक जो है वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा।
and complete the registration process by clicking click here for new registration. आप लोगों के सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके आप लोग क्लिक हियर कर देंगे और उसके पास न्यू रजिस्ट्रेशन कर देंगे. इसके पास दिया गया है इन द नेक्स्ट स्टेज क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन. इसके दूसरी स्टेप में आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा और उसके बाद लिंक करना होगा और लॉगिन में. इसके बाद दिया गया है फिल योर ऑल पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स एंड अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. इसके बाद आप लोग पर्सनल, आप लोगों का पर्सनल और एजुकेशनल जो डिटेल्स दिया गया है वहाँ पे आप लोग फिल करना होगा. और अगर जिस तरह की सर्टिफिकेट मांगा गया है आप लोग उस सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे अपलोड करना होगा. इसके बाद पे द नेसेसरी एप्लीकेशन फीस एज योर कैटेगरी. आप लोगों का जो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है वहाँ से चेक करके आप लोगों का जो फीस है वो फीस पे करना होगा. और इसके बाद आप लोगों का एक सबमिट बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा. और सब सेस होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट करना होगा. सबमिट करने के बाद आप लोगों का फॉर्म प्रिंट आउट करके रख देना होगा, क्योंकि फर्दर यूज़ के लिए आप लोगों का प्रिंट आउट लेना होगा, क्योंकि बाद में वह प्रिंट आउट आप लोगों का काम आएगा. इसका जो इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो स्टार्टिंग डेट है 11/10/2022, यानी कि अक्टूबर 11 से इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है. और इसका लास्ट डेट है 27/10/2022. सो फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.